आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि अगर आप एक कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड करती है, और इस पूरे प्रोसेस को आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपके बिल्कुल सामने ही अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल करने वाला हूं। पूरे प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, और मैंने अपने मोबाइल फोन में IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लिक करने वाले हैं इस ट्रेन वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन और बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हमको एक नीचे में ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कैंसिल टिकट। हम लोग इसी पे एक बार क्लिक करते हैं। जैसे हम कैंसिल टिकट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने एक तत्काल की टिकट को बुक किया है। आपके सामने इसकी डिटेल अभी निकल करके आ रही होगी, मैं अभी आपको सामने इसी को कैंसिल करके यहाँ पे दिखाऊंगा। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे मेरी टिकट की पूरी डिटेल यहाँ पे निकल करके आ चुकी है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में लिख के भी आ रहा है कि अगर आप इस टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि हम लोग इसको अभी करके देखने वाले हैं कि क्या सच में ऐसा होता है, लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं इस प्रोसेस को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकूँ कि तत्काल की कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन पर आपको रेलवे रिफंड नहीं करती है, और दूसरी ये बात कि मुझे जर्नी वैसे भी नहीं करनी है, तो अगर मैं इस टिकट को कैंसिल कर देता हूँ रिफंड अलग की बात है मुझे ना मिले, लेकिन अगर किसी की कोई तत्काल की वेटिंग की टिकट होगी तो वो भी कंफर्म हो जाएगी। तो भलाई करना तो बनता है, और इसके साथ आप भी एक भलाई कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सिंपली अब अपनी टिकट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमको जिस भी टिकट को कैंसिल करना है उसके सामने वाले बॉक्स पे एक बार टिक मार्क कर देना है, और टिक मार्क करने के बाद सिंपली नीचे कैंसिल वाले बटन पे आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमसे फिर से पूछा जाएगा कि अपनी टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हम लोग टिकट को यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे आपके सामने कैंसिलेशन वाला पेज निकल करके आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपकी जो टिकट है वो कैंसिल हो चुकी है, और आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिला। आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिफंड वाला अमाउंट है सिंपल 000 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अब आपको कोई भी रिफंड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का मेक श्योर करके ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप अपनी कन्फर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपको रेलवे की तरफ से कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने अपनी कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल किया और मुझे यहाँ पे कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिला। यहाँ पे IRCTC की तरफ से मुझे मेल भी रिसीव हो गया, यहाँ पे मैं मेल का स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।